अक्सर लोगों के मन में जन्म और मृत्यु को लेकर कई सवाल आते हैं, और इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद की जो यात्रा होती है उसमें भी हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है। आपके मन में भी क्या ये सवाल आते हैं? नमस्कार दर्शकों, मैं इप्सिता सवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की हमारी खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं भूतों के बारे में। अब आज के दौर की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल या कोई भी नाम आप इस्तेमाल करें उनमें विश्वास नहीं करते हैं। कोई सोचता है कि क्या सच में भूत जैसा कुछ होता भी है या फिर लोगों ने बस कहानियां बनाई हुई है। पर दर्शकों, आप ये मानेंगे ही कि जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तभी सब कुछ समान होता है। यही बात को हम अगर ऐसे कहें कि जहाँ पर भगवान है वहाँ पर भूत, प्रेत व आत्मा भी होने की संभावना होती है। अब बहुत से लोग तो ये दावा करते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है, या फिर उनके जीवन में एक ना एक बार तो ऐसा हुआ ही है कि उनका सीधे संपर्क हुए हो। इतना ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई सारी जगह हैं जहां दावा किया जाता है कि वहां भूत आते हैं। जैसे आप भानगढ़ के किले की ही बात कर लो, कहा जाता है कि वहां बहुत सी प्रेत आत्मा घूमती है। अब इसका रहस्य क्या है वो तो वहां जाकर स्वयं पता चलेगा। लेकिन अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है और बताया गया है कि कौन सी ऐसी आत्माएं होती हैं जो भूत या पिशाच योनि में तब्दील हो जाती हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि इंसान की मृत्यु के बाद जो उनका शरीर में आत्मा होती है वो निकल जाती है। अब या तो वो आत्मा स्वर्ग लोक जाती है या फिर नर्क। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो धरती पर ही भटकती रहती हैं और वही आत्माएं भूत कहलाती हैं। अब ऐसी कौन सी आत्माएं होती हैं जो धरती पर भटकती रहती हैं, आइए आपको बताते हैं। दर्शकों, हमारे शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति मरते वक्त भूखा या प्यासा हो, या फिर क्रोध में हो, या संभोग सुख से विरक्त हो, राग द्वेष लोभ से भी वो विरक्त होके मरा हो, तो ऐसी आत्माएं भूत बनती हैं। वहीं अगर कोई दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या से मरता है तो वो भी भूत बनकर भटकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो भूत हैं वो अपने अधूरे काम को करने के लिए या अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी जीवित व्यक्ति को अपने वश में कर लेते हैं, जिसे अक्सर भूत बाधा होना या कई अन्य नामों से भी बुलाया जाता है। अब दर्शकों, आपको बताते हैं कि किन लोगों पर भूत आसानी से अपना वश कर लेते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों के ग्रह कमजोर होते हैं उन पर भूत आसानी से हावी हो जाते हैं, और महिलाओं को भी वो आसानी से वश में कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते और उनका अपमान करते हैं उन लोगों पर भी भूत आसानी से अपने वश में कर लेते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सच में भूतों ने अपने वश में कर लिया हो तो उसकी पहचान कैसे करें। सबसे पहले तो उनके हाल चाल में आप बदलाव महसूस करेंगे और आपको ये लगेगा कि वो अकेले ही रहना पसंद कर रहे हैं। उनको भीड़ भाड़ से चिढ़ होने लगती है, उनके शरीर से बदबू आने लगती है, उनका चेहरा भी बदलने लगता है, नींद न आने की वजह से उनके आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं। और अगर आपको ऐसा महसूस हो तो तुरंत आप किसी पंडित के पास जाएं और इसका निवारण जरूर निकालें। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको भूतों के रहस्य के बारे में पता लगा होगा। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।